हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस की, यानी कि सीटेट क्लासेस 2024। तो सीटेट क्लासेस की टाइम टेबल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर आपकी जो क्लासेस हम चलाने वाले हैं, और जो कुछ कुछ क्लासेस हमारी स्टार्ट भी हो गई है, तो सारे का टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार आप शिकायत करते हैं, और बहुत सारे शिकायत क्या सच भी है कि आपको टाइम टेबल पता नहीं रहता। जो नए स्टूडेंट है तो क्लासेस मिस हो जाती हैं, उनको टाइम पता ही नहीं रहता कि कितने बजे जो है क्लास करने आना है, और क्लास छूट जाती है। तो आज जो है अपना रजिस्टर उठाओ जल्दी से, और उस पे सारा टाइम टेबल नोट कर लो जो जो चीजें हैं। उसके अलावा आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ फ्री में, मतलब ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलने वाली है इसी चैनल पर। तो अगर आप कंप्लीट बेसिक से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए स्टूडेंट है वो साथ में जुड़ जाओ, बिल्कुल बेसिक से। नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नई क्लासेस हैं, एकदम एक एक टॉपिक वाइज आपके इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग चलेंगे, और आपकी थ्योरी क्लास जो है सीटेट कॉन्सेप्ट क्लास आपकी अलग चलेगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस हमने स्टार्ट भी कर दी है, वो आप देख सकते हैं। तो सारी अगर बेसिक से तैयारी करनी है, बिल्कुल 101% आपको सीटेट पास करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ो फटाफट से, साथ में बेल आइकन दबा लो। ये हम जो है क्लासेस आपको इतनी जबरदस्त वाली देने वाले हैं कि ये आपको 5,000 का क्या 50,000 का कोर्स भी खरीद लोगे ना, पेड कोर्स आपका, तब भी आपको ऐसी क्लासेस और ऐसी तैयारी नहीं मिलने वाली जो हम फ्री में आपको यहाँ पे देने वाले हैं। जबरदस्त से भी जबरदस्त तैयारी होगी, बस आप साथ में रेगुलर बने रहें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टाइम टेबल रहेगा हमारा। उससे पहले आप जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से हमारी क्लासेस सारी आ जाएंगी। देखो, सबसे पहले चैनल ही आ गया आपका, फिर ये क्लास आ गई आपकी क्लास 1, ये क्लास 3, क्लास 5, इस तरह से जो है आपके सामने ये क्लास 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएगी। प्रीवियस पेपर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर सर्च कर लेंगे, तब भी आपके सामने पूरे पेपर आ जाएंगे। ठीक है, सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे, सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिख के सर्च करेंगे, तो ये कल की क्लास है, ये परसों की क्लास है, कल वाली क्लास ये आपके सामने आ चुकी है। ये आप नीचे जाएंगे, देखो चैनल भी आ गया, ये मैराथन क्लास की थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपकी आ गई, ये भी मैराथन क्लास की थी सेकंड पेपर वालों के लिए, ये आ गई आपके सामने। तो सारी चीजें कंटेंट आपको भरमार मिलेगी, जबरदस्त एकदम यूनिक कंटेंट जो बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा आपका, तो एकदम जबरदस्त तैयारी आपकी होगी यहाँ पे। साथ में आप नोट्स पढ़ते रहेंगे, नोट्स आपको ऐप पे मिलते हैं, सबको पता है, जो नए स्टूडेंट है वो जाके ले लो। SA टीचर अकेडमी नाम से प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, डाउनलोड करो, वहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के नोट्स मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, सारे सब्जेक्ट के। तो उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, और पूरा पेपर नोट्स में से फंसता है हर साल, तो पिछले स्टूडेंट वालों को पता है 125-26 नंबर आपके नोट्स में से फंस जाते हैं। तो कंप्लीट तैयारी यहां से हो जाएगी। इसके अलावा ना कोई बुक पढ़नी है आपको, कुछ नहीं पढ़ना, अलग से कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट वाले नोट्स हैं और थ्योरी नोट्स भी है साथ में, तो कंप्लीट तैयारी इसी में से हो जाएगी आपकी, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें। तो नोट्स आप जो है सभी लोग जो है जरूर पढ़ें, ये इसको 3-4 बार जो है अभी टाइम है आपके पास, तो 3-4 बार इसको रिवीजन मार दो, साथ में क्लासेस कर लेना, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, सीटेट आपका चुटकियों में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब टाइम टेबल नोट करो जल्दी से, फटाफट से एक रजिस्टर उठाओ और पेन उठाओ और लिखते चले जाओ। ठीक है, और बिल्कुल इसको तो याद ही कर लेना, या लिख के अपना उस पर लगा लो टेबल के ऊपर। देखो, यहाँ पर दो तरह से हम क्लासेस चलाने वाले हैं, एक तो लाइव क्लासेस चलेंगी, और एक आपकी जो है अपलोड हुआ करेंगी जो कॉन्सेप्ट क्लास रहा करेंगी, मतलब एक थ्योरी क्लास और एक क्वेश्चंस वाली क्लास। तो दो तरह से करेंगे, थ्योरी क्लास में आपका बेस बनेगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाली क्लास में आपका प्रैक्टिस होगी। तो दोनों तरीके से तैयारी लेके चलेंगे अभी से ही, एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखो, लाइव क्लासेस जो आपकी चलेंगी वो आपकी 7:30 बजे शाम को स्टार्ट होंगी, है ना, 7:30 बजे, क्योंकि मैंने पोल डाला था तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे 7 बजे, कुछ लोग कह रहे थे 8 बजे स्टार्ट करो, तो मैंने दोनों के बीच का टाइम रख दिया, 7:30 से दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। तो 7:30 बजे एक क्लास होगी आपकी स्टार्ट, जिसमें हम SST करा करेंगे 4 दिन, और 2 दिन आपका साइंस किया करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्लासेस चलाएंगे आपकी, जैसे 4 दिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लास रहेंगी आपकी, जो बिल्कुल आपके जो है सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करेंगे, ये लाइव क्लास रहेगी 7:30 बजे। फिर आपकी 9 बजे एक क्लास हुआ करेगी, जिसमें आपका 2 दिन मैथ होगा, 2 दिन इंग्लिश होगी, और 2 दिन आपकी EVS होगी। इस तरह से जो है क्लास डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो है रोज करेंगे तो फिर तो 15-20 क्लासेस डेली हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल है, और ये कवर हो जाएगा आपका सिलेबस, उसमें कोई आपकी चिंता की बात नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, फिर आपकी एक क्लास लाइव चला करेगी रात को 10 बजे, जिसमें CDP होगी 2 दिन, 2 दिन आपकी हिंदी होगी, 2 दिन आपकी संस्कृत होगी, और इसमें उर्दू रह गया है, तो उर्दू वाले निराश नहीं होंगे, क्योंकि अभी रमजान है तो थोड़ा सा मेरे पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगर वीडियोस बनाऊंगा तो मैं
थक जाऊंगा, है ना, रोजे से रहेंगे। तो उर्दू की क्लास रमजान के बाद स्टार्ट करूंगा, बस इतना वेट आप लोग कर लेना, ठीक है। उसके अलावा फिर आती है आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब समझ रहे हो, आपकी थ्योरी वाली क्लासेस यूट्यूब पे इसी नाम से आया करेंगे, सीटेट कॉन्सेप्ट क्लास के नाम से ही। तो ये क्लासेस आपकी जो होंगी वो अपलोड होंगी, ये लाइव नहीं होंगी, ये आपकी अपलोड वाली होंगी जो कि आपकी आएंगी दिन में, है ना। इसको आप हैंड टू हैंड भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, लाइव वाली भी प्लेलिस्ट में ऐड होंगी, तो वहां से भी लाइव क्लास आप देख पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके सारी मिलेगी आपको, अगर छूट जाती है क्लास टाइम पे तो प्लेलिस्ट में जाओ वहां से देखो। 3 बजे आपकी एक लेक्चर वीडियो आया करेगी जिसमें SST NCERT होगी आपकी, ज्यादा दिन आपकी यानी कि हफ्ते में 4 दिन आपकी जो है SST हुआ करेगी, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन आपकी SST ही चलेगी, NCERT थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट वाली। फिर CDP का लेक्चर आया करेगा आपका, उसी में बीच में 1-2 दिन, और 1-2 दिन आपका हिंदी का लेक्चर आया करेगा, ठीक। तो इस तरह से आपका, क्योंकि SST का सिलेबस ज्यादा है, CDP हिंदी का कम है, तो SST को ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए हम SST के लेक्चर ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका साइंस का आया करेगा, साइंस की थ्योरी क्लास आएगी, और साइंस की थ्योरी क्लास भी आपकी 4 दिन आएगी, फिर 2 दिन इंग्लिश आएगी, 1 दिन या 2 दिन आपकी संस्कृत क्या करेंगे, इसी तरह से इसको मैनेज करेंगे साथ में। फिर 5 बजे आपका जो है एक मैथ क्लास आया करेगी जो कि आपकी टॉपिक वाइज वाली होगी, मतलब थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट क्लास जिसको करें, कॉन्सेप्ट समझेंगे इस बार तगड़ा करके, कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे प्रीवियस पेपर की, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मैथ में अगर 0 भी हो तब भी आपको हीरो बना दूंगा, 0 से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल गुणा भाग से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ABCD से, कक्षा 1 से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो मैथ होगा आपका, और उर्दू और EVS भी आपका इसी टाइम पे, हफ्ते में 1-2 दिन इनको किया करेंगे, तो इस तरह से आपका कवर हो जाएगा सारा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, चीजें आपको जो है कवर होती चली जाएंगी, हमारा सिलेबस कवर होता चला जाएगा आपका थोड़ा थोड़ा, तो फिर हम जो है मैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें रिविजन भी होगा, और जो भी कंटेंट रह जाएगा ऐसा लगेगा हमें कि इस कोर्स को, मतलब इस वाले सब्जेक्ट का कंटेंट बच रहा है, तो उसको बड़ी क्लास किया करेंगे लंबी, और उसमें पूरा कवर किया करेंगे, है ना। तो तैयारी आपकी जो है एकदम जबरदस्त हो जाएगी, 2-2.5 महीने में या 3 महीने में, 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे, और 2.5 महीने के बाद फिर मैराथन क्लास चलाएंगे जबरदस्त वाली, एकदम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको खतरनाक वाली, और सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इस बार स्कोर आपका, मान के चलो आप अगर रेगुलर रहे, 130 प्लस आपका स्कोर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अभी आपके 60 नंबर आ रहे हैं ना सीटेट में, 45 नंबर आ रहे हैं ना सीटेट में, तो भी 130 प्लस जाएगा आपका, डरने की जरूरत ही नहीं है। ये मत सोचना कि हमें सीटेट में नॉलेज नहीं है, हमारा तो 60 नंबर आते हैं तो 130 तो कल्पना है, कल्पना नहीं है। जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जब अभी टाइम है, और मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से क्लासेस आप रेगुलर करो, तो आप 10 दिन में ही फर्क महसूस कर लोगे कि हमें बहुत कुछ आ गया है, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। हमारी क्लासेस एक बार करके तो देखो, आपका दिल में घुस जाएंगे एकदम, सारी क्लासेस ऐसे दिमाग में घुसेंगी ना कि आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करोगे, ठीक है।